बिजली विभाग के मनमानी व अधिकारियों के मिली भगत से बिजली की मीटर में कनेक्शन में अवैध वसूली आदि मुद्दों को लेकर राजनीतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आंदोलन छेड़ दिया है। दरअसल बिजली विभाग के अल्टीमेट देने के बाद किसी प्रकार की पहल नहीं होता देख लोगों ने बुधवार को विद्युत कार्यालय के मुख्य द्वार पर सुबह 11 बजे से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ गए। इस दौरान समाज सेवी सह आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार झा के नेतृत्व में अनशन पर बैठे लोग बिजली विभाग के रवैये से नाखुश दिखे। आमरण अनशन पर बैठे समाज सेवी सह आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार झा ने कहा कि बिरोल गौरावराम के लोगों के साथ बिजली विभाग लापरवाह है और उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने कई उपभोक्ता का उदाहरण देते हुए कहा कि इनको विभागीय लापरवाही से अनाप शनाप बिजली बिल थमा दिया जाता है, जिसके बाद वे कार्यालय का चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं। राजकुमार झा ने कहा कि बिजली मीटर कनेक्शन में मीटर वेंडर के द्वारा अवैध 2000 से 2500 रुपये लेने के बावजूद मीटर देता है। क्षेत्र में कई आवेदक से रुपये लेने के बावजूद भी मीटर नहीं देता है। कई महीने से लोगों को बिजली कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। अधिकारी और लाइनमैन बिना सूचना दिए गरीब लोगों का कनेक्शन काट देता है और अवैध वसूली करता है। अनशन में उपस्थित कार्यकर्ता राजकुमार झा, संजय कुमार पासवान, अमित राय, राजकुमार महतो, पारस राय, संतोष यादव, वीरेंद्र कुमार, मुकेश कुमार झा, बच्चा बाबू राय, निरंजन सिंह सहित दर्जनों आमरण अनशन पर बैठे लोगों ने एक सुर में कहा कि जब तक हम लोगों की मांग नहीं मानी जाएगी और अधिकारियों द्वारा ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी रहेगा। लेकिन आमरण अनशन के पहले ही दिन विद्युत आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा सभी मांग पर आश्वासन दिया गया एवं मीटर कनेक्शन पर पदाधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आज का अनशन समाप्त करवाया। आइए सुनते हैं कि इस मौके पर उपस्थित राजकुमार झा क्या कुछ कहते हैं इस खास रिपोर्ट में। नाम हुआ सर आपका? राजकुमार झा नाम हुआ हमारा। आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या आप लोगों का डिमांड है? देखिए, ये बिजली विभाग का एक अफसरशाही बढ़ गया। हम लोगों का 2 सूत्री मांग है। पहला है कि जो मीटर कनेक्शन के लिए आवेदक अप्लाई करता है, उपभोक्ता जो अप्लाई करता है, मान लीजिए बिजली मीटर कनेक्शन के लिए, उसमें ये लोग एक तो समय सीमा तय नहीं की है कि भाई कितने दिन में मीटर दिया जाएगा। 6-6 महीना तक अप्लाई किया हुआ लोग दौड़ते रहते हैं बिजली कार्यालय में, फिर भी लोग कनेक्शन नहीं देता। और उसके बाद गौरावराम में जो वेंडर है इनका मीटर कनेक्शन का, 2000-2500 रुपया का डिमांड करता है, कहता है कि हम आपको मीटर लगा देंगे। जो आदमी पैसा नहीं दे पाता है, उन लोगों का मीटर कनेक्शन नहीं लगता है। इसके विरोध में हम लोग यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। दूसरी बात है कि विभाग से, विभाग की इतनी लापरवाही है, गरीब गुरबा लोग कनेक्शन लिए हुए हैं बिजली का, जिसका 1000 रुपया बिल आता है उसका भी मीटर काट देता है, कनेक्शन काट देता है। ये सब इन लोग का अफसरशाही है, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं और लगातार जारी रहेगा अगर इस तरह से हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तो।